प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC CGL एस्पिरेंट रमन के साथ। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स। एक दी गई आकृति में यहाँ पे हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। SSC स्टेनो सन 2012 का एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इस क्वेश्चन मार्क स्थान पर कौन सी लुप्त संख्या आएगी वो हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो जब भी हमने मैट्रिक्स को करना होता है, ठीक हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाई कॉलम करते हुए आए हैं, तो बाई कॉलम ही करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन का जो मेथड है वो आपको प्रैक्टिस करने पर ही आएगा। ठीक, तो चलते हैं देखते हैं। तो मैं कॉलम से बात करता हूँ, तो अगर मैं 60 में 40 जोड़ दूँ तो 100 आ जाता है, और 100 में से अगर मैं 20 घटा दे रहा हूँ तो 80 आ रहा है। ठीक, उसी प्रकार अगर मैं 50 में 30 जोड़ देता हूँ तो 80 आ रहा है, 80 में से अगर मैं 20 घटा दे रहा हूँ तो 60 आ रहा है। ठीक, तो उसी प्रकार अगर मैं इसमें 40 में 20 जोड़ देता हूँ तो 60 आता है, क्या घटा दूँ। ठीक, तो हमारा जो आए कि जो यहाँ पे लुप्त संख्या वो आ जाए। ठीक, तो देखते हैं, तो अपना पैटर्न ये था। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 40 प्लस 20 किया, जोड़ा उसको, 60 है, 60 में से 20 घटाते हुए आए थे, इसमें भी घटाया था, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 में भी घटाया, तो 40 आ गया। तो राइट ऑप्शन जो आएगा वो आपका राइट ऑप्शन आपका बी निकल के आएगा, क्योंकि लुप्त संख्या जो मिसिंग नंबर है यही है 40। ठीक, तो इस टाइप से को करना है, मैं कॉलम वाइज करता हूँ, आप भी कॉलम वाइज करिए। ठीक, इससे क्वेश्चन क्या होगा, सरल हो जाएगा, और बाई ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक, और नो पेपर से भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं आप, लेकिन मुझे लिखना चाहिए, मैं लिख देता हूँ। धन्यवाद।